हेलो एवरीवन, टुडे वी आर मेकिंग बॉम्बे का स्ट्रीट फूड पाव भाजी, जिसमें लॉट्स ऑफ वेजीज होती हैं, लॉट्स ऑफ बटर होता है, लॉट्स ऑफ प्यार होता है और बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। तो आज का हमारा लंच है पाव भाजी। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए। चलिए, तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स हैं, कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस, कैरेट, कैप्सिकम, बॉइल्ड आलू हमने अलग से बॉइल कर रखे हैं, वो हम बाद में डाल देंगे। तो भाजी के लिए वेजिटेबल्स हम इसको बॉइल करने डाल देते हैं। तो ये मैंने कॉलीफ्लावर ले लिया है, ग्रीन पीस ले लिया है, कुछ कैरेट्स ले ली हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप घर में आप वो यूज कर सकते हैं। कुछ कैप्सिकम्स ले लिए हैं और कुछ फाइनली कैप्सिकम्स मैं जब हम भाजी का फाइनल तड़का लगाएंगे उसमें भी मैं यूज़ कर लूँगी। और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स भी अपना वाटर छोड़ती हैं। दैट्स इट। अब इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स करके, ये हमारी देखिए वेजिटेबल्स इसमें हमारी हो गई हैं, थोड़ा सा वाटर डाल दिया है हमने। हम सॉल्ट वगैरह सब बाद में जब हम तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। अब मैं इसमें विसल लगा दूंगी, 2 विसल्स हमें लेनी है और उसके बाद हमें थोड़ा कम गैस पर इसको सीजने देना, ताकि हमारी सारी वेजिटेबल एकदम मैश हो जाए, क्योंकि भाजी में सारी वेजिटेबल्स का मैश होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बंद करती हूँ, उसके बाद हम थोड़ी देर में तड़के की तैयारी करते हैं। इतने में अपनी अनियंस वगैरह चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी वेजिटेबल्स बॉइल्ड हो चुकी हैं, इनको मैं पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेती हूँ और वन बाय वन मैं पोटैटो भी डाल देती हूँ। पोटैटो से हमारी भाजी क्या एकदम बाइंड भी हो जाएगी और थोड़ा सा थिकनेस भी आ जाएगी। अदरवाइज इसमें थिकनेस के लिए फिर हमने ऐसा कुछ डाला नहीं है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इधर तड़के की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी, उसके बाद भाजी में तो जब तक बटर ना डाले तो भाजी भाजी नहीं रहती। तो इसमें लॉट्स ऑफ बटर, हम बटर थोड़ा सा अभी डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे, थोड़ा बीच में डालेंगे, बटर ही बटर डालेंगे इसमें। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें अनियन, गार्लिक, ये मैंने चॉप करके रख रखा है, मैं इसमें ये डाल देती हूँ। भाजी में सबसे ज्यादा स्वाद बटर से ही आता है और लॉट्स ऑफ अनियन। इसमें हमें जब तक अनियंस को सौते करना है जब तक हमारा ये अनियंस का वाटर लूज ना हो जाए। ये देखिए अभी तक जैसे वाटर इसमें दिख रहा है, ये हमारा वाइट वाटर एकदम ड्राई हो जाएगा तभी मसाले में टेस्ट आएगा। देखिए हमारी अनियंस अब थोड़ा फ्राई हो गई है, हमें थोड़ा क्रंची करने के लिए इसमें चॉप कैप्सिकम डाल रही हूँ, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे कैप्सिकम हमने बॉइल में भी डाल दिया था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अगर मुंह में आएगी, बाइट्स आएंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैंने यहाँ पर ये टमाटो प्यूरी बना ली है, इसको भी डाल देती हूँ। अब हमें ये मसाला अच्छे से फ्राई करना है। मैं इसी बीच में थोड़ा सा पाव भाजी मसाला अभी डालती हूँ और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला जब मैं अपनी वेजिटेबल्स को डाल दूंगी उसके बाद, तो काफी अच्छा फ्लेवर आता है भाजी का। ये देखिए 1 स्पून मैंने अभी डाल दिया है। थोड़ा सा कलर के लिए मैं हल्दी पाउडर भी डालूंगी, जस्ट लिटिल बिट, एंड 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे काफी अच्छा कलर आएगा और हमारी भाजी ज्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी, क्योंकि हम भाजी मसाला डाल रहे हैं वो काफी स्पाइसी होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा रेड दिखाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च वाला पाउडर डाल रहे हैं। अब हमें जब तक हमारा टमाटर का पानी पूरा नहीं सूख जाता इसको अच्छे से फ्राई करना है।
ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब मैं इसमें हमारी ये वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। ज्यादा वेजिटेबल्स डाली हैं, फिर मैं थोड़ा सा बटर और डाल देती हूँ ताकि इसमें एक अच्छी सी रिचनेस आ जाए। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको अब देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारा मसाला भाजी के अंदर मैश हो जाए। तो मैं इस टाइम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डाल दूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हमारा बटर भी सॉल्टेड था। अब मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और डाल देती हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मन कर रहा है बस जल्दी से ये रेडी हो जाए, पाव सेकें और खाएं। ये देखिए लिटिल बिट मटर मोर। देखिए हम थोड़ा सा इसमें लेमन और डाल देंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा टैंगी टेस्ट आ जाएगा। हमारी भाजी रेडी हो गई है और थोड़ा सा मैं ये मिंट और कोरिएंडर लीव्स भी डाल देती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये डालते ही खाने का मन कर गया। बस अब मैं इसमें फटाफट से पाव और सेक लेती हूँ। ये देखिए अब मैं पाव सेक लेती हूँ। मैं पाव पे अच्छे से बटर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा बटर यहाँ तवे पे भी इस तरीके से। थोड़ा सा हम पाव भाजी मसाला भी डाल देंगे इसमें तो एक काफी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारा। ये देखिए तो क्या है, ये बटर के साथ हमारा मसाला चिपक जाएगा और हम इसको इजीली खा सकते हैं, काफी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इससे। ऐसे ही मैं दूसरा और सेक लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी ये कस्तूरी मेथी ये भी ये डाल देती हूँ, इससे भी काफी एक अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं, कितने यम्मी हो गए हैं। कस्तूरी मेथी से भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है पाव के अंदर। ये देखिए ये देखिए हमारे पाव कितने करारे सिक चुके हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं पाव। आप देख रहे होंगे कि ये एकदम राउंड शेप के पाव हैं, तो पाव भी कई तरह से मिलते हैं। यही हमारे यहाँ पर ये राउंड वाले मिलते हैं, हम इसी को बर्गर में भी यूज कर लेते हैं, इसी को पाव भाजी में भी यूज कर लेते हैं। अगर हमें गुजराती दबेली बनानी हो तो उसमें भी हम ऐसे ही पाव यूज कर सकते हैं। तो पाव जैसे भी मिले पाव भाजी खाने को चाहिए। देखिए देखिए हमारी डिलीशियस यम्मी बॉम्बे का स्ट्रीट फूड हमारे घर पर रेडी हो चुका है। इसको हम बटर अनियन लेमन गर्मा गर्म पाव और हमें क्या चाहिए। तो हमारा तो लंच रेडी हो गया है, आप भी बनाइए और खाइए।